स्वागत है द न्यू ट्रिकल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और ये है हमारी सबसे पॉपुलर लिस्ट टॉप 5 फोन्स जिनको आप ले सकते हैं 10 से 15000 रुपए के बजट में इस महीने। ये हमारी सबसे पॉपुलर लिस्ट है जिसमें आप लोगों का सबसे ज्यादा प्यार आता है, तो इस वीडियो पे भी लाइक एंड शेयर जरूर करें जिससे कि और थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। इस महीने की ये हमारी दूसरी लिस्ट है, इससे पहले मैं बेस्ट फोन 20,000 रुपए के बजट पे जो हमारे आते हैं वो लिस्ट बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही बाकी की बजट की लिस्टें भी आती रहेंगी बढ़िया बढ़िया वीडियोस के साथ। सो फटाफट से चैनल को करें सब्सक्राइब और अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो दोबारा से चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने शुरू हो जाएंगी। अब चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करें। Redmi की तरफ से एक Redmi फैंस के लिए वैल्यू फॉर मनी डिवाइस जो कि है हमारा Redmi Note 10। इस डिवाइस के अंदर आपको काफी बढ़िया कॉम्बिनेशन मिल जाता है, लेकिन मैं सारी चीजें बताने से पहले ही आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप 12,000 रुपए वाला इस डिवाइस का वेरिएंट लेते हैं तो ठीक है, 14,000 रुपए के हिसाब से ये डिवाइस अच्छी ऑप्शन नहीं है। मतलब 14,000 रुपए अगर आप खर्च रहे हैं तो आप बाकी की लिस्ट देखिए, आपको सैमसंग के रियलमी के काफी अच्छे डिवाइसेस मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से 12,000 रुपए के हिसाब से ये डिवाइस हमारा वर्थ है। और अगर मैं इसके स्पेक्स की बात करूं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहले डिवाइस के अंदर हमें जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 50 प्लस रेजोल्यूशन के साथ, उसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया कलर्स और ब्राइटनेस देखने को मिलती है जिसमें आप गेम खेलें या फिर मूवीज देखें वीडियोस देखें आप अच्छे से डिवाइस को एंजॉय करेंगे। इवन तेज सनलाइट में भी अगर आप डिवाइस के डिस्प्ले को यूज करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से उसको देख पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे। इसके साथ डिवाइस के अंदर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 678 का प्रोसेसर मिल जाता है जिसके अंदर आपको काफी ठीक परफॉर्मेंस मिल जाती है, आप गेमिंग इसमें आराम से कर सकते हैं। साथ ही UFS 2.2 की हमें इसके अंदर स्टोरेज मिलती है, तो आपको काफी स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ 5000 mAh की हमारी बैटरी है, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, डिवाइस के अंदर आपको 1 डे का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है और उसके साथ डिवाइस हमारा फटाफट से चार्ज भी हो जाता है। कैमरे की अगर बात करूं तो हमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है बैक में, 13 का हमारा सेल्फी कैमरा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कैमरा के हमारे सैंपल्स, अलग अलग सैंपल्स यहाँ पे मैंने क्लिक किए हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि डिटेलिंग हमारी काफी अच्छी आ रही है कैमरा की, आपको एक्सपोजर से मेंटेन कर रहा है कैमरा, वाइड एंगल में आप पिक्स ले सकते हैं और उसके साथ पोर्ट्रेट मोड में भी आपके पिक्स जो है उसके अंदर एज डिटेक्शन हमारा अच्छा आता है। सेल्फी कैमरा की पिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके अंदर भी हमारा स्किन टोन जो है वो काफी अच्छे से मेंटेन हो रहा है और आपको एक बढ़िया क्रिस्प शॉट मिल जाता है। इसके बाद डिवाइस के अंदर कमी यहाँ पे आती है कि हमें इसके अंदर प्लास्टिक बॉडी मिलती है जिसकी वजह से ये हमारा इतना प्रीमियम नहीं लगता, लेकिन आपको हाथ में होल्ड करने में इसकी फिटिंग फिनिश काफी अच्छी नजर आती है। व्हाइट कलर में है यहाँ पे डिवाइस मेरे पास जो कि आपको हाथ में होल्ड करा वो स्टाइलिश लुक देगा, मैट फिनिश में एक्चुअल में देखने में डिवाइसेस काफी अच्छे लगते हैं, इसके ऊपर आपके फिंगरप्रिंट्स भी ऐसे नजर नहीं आएंगे और स्क्रैचेस आपको बचाना तो पड़ेगा डिवाइस को क्योंकि प्लास्टिक बॉडी है, कवर लगा के रखेंगे तो बेटर रहेगा। इसके साथ डिवाइस के अंदर आपको आयर ब्लास्टर मिल जाता है जिससे कि आप इसको एज अ रिमोट कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं। सो ये था हमारा रेडमी का नोट 10 जो कि 12,000 रुपए के हिसाब से तो वर्थ है, 14,000 रुपए के हिसाब से वर्थ नहीं है। इस चीज पे काफी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं इसलिए मैंने सबसे पहले बात ही क्लियर करी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक आपके लॉकडाउन के लिए बहुत ही बढ़िया डिवाइस। मतलब लॉकडाउन में जैसे काफी सारे लोग जैसे घर में बैठे बोर हो रहे हैं तो आपका एंटरटेनमेंट चलता रहे नॉन स्टॉप वो कोई भी खराब नहीं होना चाहिए और साथ ही आपको जो सेल्फी कैमरा है वो भी इस रेंज का सबसे बढ़िया मिल रहा है उस डिवाइस में। डिवाइस है हमारा सैमसंग का F41। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ डिवाइस का कैमरा ही। सेल्फी कैमरा हमारा 32 मेगापिक्सल का है, इस रेंज में हमारा सबसे बढ़िया। उसके साथ हमारा जो बैक कैमरा है वो भी आपको काफी बढ़िया यहाँ पे पिक्स देगा। सैंपल आप देख सकते हैं सबसे पहले सेल्फी कैमरा के जिसके अंदर आपको एकदम क्रिस्प शॉट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अच्छा एज डिटेक्शन देखने को मिलता है, उसके साथ बैकग्राउंड ब्लरिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं पिक लेने के बाद भी, सिंगल टेक जैसे कुछ फीचर्स मिल जाते हैं जिसमें आप अपनी बढ़िया क्रिएटिव पिक्स ले सकते हैं। साथ ही बैक कैमरा के यहाँ पे पिक्स आप देख सकते हैं कि 64 मेगापिक्सल के अंदर आपको डिटेलिंग अच्छी मिल रही है, अच्छा शॉट आ रहा है, एक्सपोजर अच्छे से मेंटेन कर रहा है कैमरा, कलर्स हमारे नेचुरल की साइड है जिसकी वजह से पिक्स और बेटर नजर आ रही है। तो कैमरा देखा जाए तो हमारे डिवाइस का काफी बढ़िया है। अब इसके बाद जो नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की मैं बात कर रही थी उसके लिए सबसे पहले डिवाइस के अंदर आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है। मतलब बड़ी बैटरी एक्चुअल में मुझे बहुत ही पसंद आती है कि पूरा दिन कोई टेंशन ना हो दिमाग के अंदर कि यार बैटरी लग जाएगी डिवाइस की तो ज्यादा नहीं यूज करते, ऐसा कुछ नहीं है, आप जितना मर्जी यूज करो, मूवीज देखो वीडियोस देखो, डिवाइस की बैटरी की टेंशन ही नहीं।
अलावा आपको वैसे चार्जिंग की बात करूँ तो 15 वाट की चार्जिंग मिलती है जो कि 6000 mAh की बैटरी के सबसे कम है। टाइम लगेगा डिवाइस को चार्ज करने में। इसके अलावा डिवाइस के डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा काफी अच्छा है। आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ, जिसमें आपको बहुत ही ब्राइट कलर्स मिलेंगे, व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे मिलते हैं, साथ ही सनलाइट परफॉर्मेंस भी डिवाइस की हमारी अच्छी है। तो आप इसके अंदर अपनी मूवीज वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे एंजॉय करेंगे क्योंकि डिस्प्ले हमारा क्वालिटी वाइज काफी बढ़िया है। साथ ही अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पे प्रोसेसर जो है वो हमारे इस डिवाइस का एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि आपको मिलता है 2 साल पुराना प्रोसेसर सैमसंग का एक्सिनोस 9611 जो कि आपकी हेवी टास्क करने के लिए एक्चुअल में नहीं है। मतलब आप कोई हेवी गेमिंग करना चाहते हो ग्राफिक्स को बढ़ा के, वो सब तो आप इसमें एंजॉय नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल वर्किंग की अगर मैं बात करूं तो वो सारे काम आपके इसमें आराम से हो जाएंगे। मूवीज देखनी है, चैटिंग करनी है, कॉलिंग करनी है, वो सारे कामों के लिए डिवाइस में कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसके अलावा डिवाइस के अंदर हमें जो प्लास्टिक बॉडी मिलती है ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। एक्चुअल में प्लास्टिक बॉडी है ओके, लेकिन उसके अलावा ये है कि इन हैंड फील अच्छी नहीं है प्लास्टिक के कंपैरिजन में कह रही हूँ। और इसके अलावा जो हमारा बैक पैनल है वो ऐसा है, मतलब ऐसी उसपे फिनिश दी गई है कि आपके फिंगरप्रिंट्स बहुत सारे नजर आएंगे, बार बार आपको क्लीन करना पड़ेगा और उसके साथ आपके स्क्रैचेस जैसे ही पड़ेंगे प्लास्टिक बॉडी है तो, और उसके बाद वो भी उभर उभर के नजर आएंगे। तो अगर आप संभाल के नहीं रखते हैं डिवाइस को तो डिवाइस आपका जल्दी बहुत ही गंदी लुक वाला डिवाइस लगने लग जाएगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस डिवाइस का कि लुक वाइज इतना अच्छा नहीं लगता और कुछ दिनों में और बुरा लगता है। इसके अलावा नॉक सिक्योरिटी की अगर बात करूं तो काफी लोगों को क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर हमें नॉक सिक्योरिटी मिलती है, इसमें नहीं मिलती है। इसमें जो नॉक्स का वेरियंट आपको मिल रहा है वो हमारे फिंगरप्रिंट लॉक और फेस अनलॉक वाला है, जो हमारा एक टॉप वेरियंट है जिसके अंदर आपको डाटा सिक्योरिटी मिलती है, वो आपको इसमें नहीं मिलता। वैसे इसके अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 15,000 रुपए का डिवाइस है हमारा, लेकिन आपको ऑफर आती रहती है इस डिवाइस के ऊपर और 13,500 रुपए के प्राइस में ये डिवाइस मिल जाता है। अब आता है हमारे पास इस रेंज का सबसे स्टाइलिश डिवाइस जो कि मेरा काफी फेवरेट है। डिवाइस है हमारा पोको का X2। ये जो हमारा डिवाइस है एक्चुअल में देखने में बहुत ही स्टाइलिश लगता है। मतलब अभी भी आप सारे फोन रखो 15,000 के बजट में जितने भी आते हैं और इसको रखो, ये अलग सा ही नजर आता है। सबसे स्टाइलिश लुक है इसकी। इसकी मैंने एक्चुअल में 2 कलर्स की अनबॉक्सिंग करी थी, ये ब्लू है, एक पिंक कलर की भी करी थी। गर्ल्स के लिए लेना हो तो पिंक वाला बहुत मस्त लगेगा आपको। अब इसके साथ ये जो हमारा डिवाइस है ये हमारा थोड़ा पुराना डिवाइस है, लेकिन इसको मैंने अभी भी लिया है लिस्ट के अंदर। काफी सारे लोगों का क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम भी कि आपने पोको X3 क्यों नहीं लिया, इसको क्यों लिया। तो मैं आपको बता दूं कि मैं लिस्ट ऐसे ही नहीं बनाती हूं, मैं सारे डिवाइसेस को कंसीडर करती हूं और उसको भी मैंने कंसीडर किया, लेकिन जब मैंने इसके साथ उसको कंपेयर किया, मतलब परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो थोड़ा ही डिफरेंस है, लेकिन बिल्ट इन लुक के हिसाब से एक्चुअल में ये डिवाइस उससे काफी बेटर है। मतलब बिल्ड क्वालिटी एक्चुअल में देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बहुत सारे लोगों के लिए, तो उस हिसाब से पोको X2 आता है मेरी लिस्ट में, पोको X3 नहीं आता। तो मतलब आगे पोको X3 नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता दिया है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस डिवाइस के अंदर आपको एंड्रॉयड 11 का अपडेट भी मिल गया है और परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो वो भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। जो हमारा प्रोसेसर है वो वेल टेस्टेड प्रोसेसर है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 730G प्रोसेसर, जिसके अंदर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। गेमिंग सीरीज का हमारा प्रोसेसर है, साथ ही 120Hz का जो रिफ्रेश रेट मिलता है उसके अंदर भी आपको एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस, स्मूथ ग्राफिक्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मिलेगा, जिसमें आप गेमिंग को भी काफी अच्छे से एंजॉय कर लेंगे। 6.67 इंच का हमारा फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है जो कि LCD पैनल में है। वैसे जो डिस्प्ले हमारा सुपर एमोलेड नहीं है तो उतना ब्राइट और कलरफुल नहीं लगेगा, लेकिन आपको नॉर्मली इंडोर में यूज करने में तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा 4500 mAh की हमारी बैटरी है, 27 वाट की फास्ट चार्जिंग है। डिवाइस के अंदर आपको बैटरी बैकअप नॉर्मल यूजेज में 1 डे का आराम से मिल जाता है और चार्जिंग में हमारे डिवाइस की फास्ट है। कैमरास की मैं बात करूं तो इस डिवाइस का हमारा सेल्फी कैमरा जो है वो काफी बढ़िया है। मतलब सैमसंग का जो अभी F41 मैं आपको बताया वो तो हमारा बेस्ट है, लेकिन उसके बाद सेकंड इसी का आता है। इसके अंदर आपको 20+2 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जिसके अंदर बुके मोड में आपको इफेक्ट काफी बढ़िया वाला यहाँ पे देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं सेल्फी कैमरा की पिक्स आपके सामने है, आपको पिक्स बहुत ही शार्प मिलती है, एकदम क्रिस्प आपको एज डिटेक्शन देखने को मिलेगा, बढ़िया बैकग्राउंड ब्लरिंग मिलेगी, मतलब जो एक्चुअल डेप्थ इफेक्ट होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इस बजट के अंदर इस डिवाइस में। इसके अलावा जो हमारा बैक कैमरा है वो भी काफी अच्छा है, आपको 64 का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 8 का हमारा वाइड एंगल है, 2 का डेप्थ सेंसर है, 2 का मैक्रो है। मैक्रो 2 का जो है वो तो हमारा ज्यादा यूजेबल नहीं है, लेकिन बाकी का जो कैमरा है उसके अंदर आपको डिटेलिंग काफी अच्छी कैप्चर करता है कैमरा। वाइड एंगल के अंदर आप अच्छा शॉट लेंगे, कलर्स अच्छे कैप्चर होते हैं, एक्सपोजर हमारा बढ़िया रहता है, तो ओवरऑल कैमरा वाइज भी डिवाइस हमारा ये काफी सही हो गया।
इसके साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें ग्लास बॉडी मिल जाती है डिवाइस के अंदर, तो हाथ में होल्ड करने में काफी प्रीमियम लगेगा, सॉलिड लगता है डिवाइस हमारा और बहुत ही 3D वाला इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, जिससे कि एक्चुअल में ये डिवाइस डिफरेंट हो जाता है बाकी डिवाइसेस से। इसके अलावा इस डिवाइस के अंदर हमें आईआर ब्लास्टर मिल जाता है, जिससे कि आप इसको एज अ रिमोट कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं। और डिवाइस की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 15,000 रुपए के प्राइस में ये डिवाइस आपको मिल जाता है। मेरे हिसाब से काफी स्टाइलिश डिवाइस है ये हमारे इस रेंज का। अब इसके बाद नंबर सेकंड पोजीशन पर आता है हमारे पास Redmi फैंस के लिए काफी कमाल का डिवाइस इस बजट का, जो कि है Redmi का Note 9 Pro Max। अब ये जो डिवाइस है इसके बारे में सारी चीजें बताने से पहले ही मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात करूंगी। ये जो हमारा डिवाइस है ये 15,000 रुपए के प्राइस में आपको मिल जाता है 6GB 64GB वाला वेरिएंट। मेरे हिसाब से अगर आपका जो बजट है वो स्टिफ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 15,000 रुपए से एक पैसा भी और खर्चना नहीं चाहते, अगर तो ऐसा है कि नहीं खर्च सकते एक पैसा और भी, तो ये डिवाइस आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप इसके लिए जाएं। लेकिन अगर आप पैसे खर्च कर सकते हैं, मतलब मम्मी से पापा से किसी से थोड़े से पैसे और ले लेंगे और चल सकता है काम, तो मेरे हिसाब से आप रेडमी का ये नोट 9 प्रो मैक्स ना लें, ना ही पोको का X2 लें। आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारा रेडमी का नोट 10 प्रो, जो कि आपको 16,500 रुपए के प्राइस में मिल जाएगा। मतलब इसमें आपको ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा, ज्यादा अच्छे से आप इस डिवाइस को एंजॉय कर पाएंगे इन दोनों के कंपैरिजन में। लेकिन ये अंडर 15,000 रुपीज की हमारी लिस्ट है, तो इसीलिए ये दोनों आए हैं हमारी लिस्ट में, वो नहीं आया है वो आगे निकल जाता है, 15,000 से ऊपर है उसका प्राइस। लेकिन मैंने सोचा कि मैं खुद अगर खरीदना चाहूंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं तो यही करूंगी कि थोड़े पैसे किसी से लेके ये डिवाइस, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ, पैसे थोड़े से ज्यादा है तो इसके लिए जाए, नहीं है तो ये भी डिवाइस हमारा काफी अच्छा है। अब इसके अंदर मैं बात करूँ डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसके अंदर आपको मिल जाता है Qualcomm Snapdragon का 720G प्रोसेसर, उसके साथ UFS 2.1 की स्टोरेज, जिसके अंदर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। गेमिंग सीरीज का प्रोसेसर हमारा, आपको गेमिंग में भी मजा आएगा, नॉर्मली यूज करते हैं तो उसके अंदर भी आपको मल्टीटास्किंग में या फिर आपको हैवी एप्स चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा 6.67 इंच का हमारा फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है, जिसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता है, LCD डिस्प्ले मिलता है, तो उतना ब्राइट नहीं लगेगा लेकिन ओके ओके आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिलती है आपको फ्रंट साइड में, और इसके बाद 5000mAh की बैटरी है हमारी 5020mAh की, और 33W की फास्ट चार्जिंग है, तो डिवाइस आपको वन डे का बैटरी बैकअप आराम से दे देता है और चार्जिंग में हमारे डिवाइस की फटाफट से हो ही जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कैमरास के बारे में, तो इस डिवाइस के अंदर आपको मिल जाता है 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें 64 वाला मेन है, 8 वाला हमारा वाइड एंगल है, 5 का मैक्रो और उसके साथ 2 का हमारा डेप्थ सेंसर और 32 का हमारा सेल्फी कैमरा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको पिक्स के अंदर काफी अच्छी डिटेलिंग मिल जाती है, काफी बढ़िया कलर्स मिल जाते हैं, आपको वाइड एंगल में अच्छे पिक्स मिलेंगी, मैक्रो शॉट आप अच्छा ले सकते हैं, इवन सेल्फी कैमरा के अंदर भी आपको डिटेलिंग काफी अच्छी मिलती है, स्किन टोन भी अच्छे से मेंटेन करता है हमारा कैमरा, और पोर्ट्रेट मोड में भी आप काफी अच्छा शॉट ले सकते हैं। इसके अलावा डिवाइस के अंदर हमें जो ग्लास बॉडी मिलती है वो बहुत ही प्रीमियम लगती है, मतलब हाथ में होल्ड करा वो आपको फील होगा कि एक प्रीमियम डिवाइस आपने पकड़ा हुआ है, जो कि सॉलिड फील देगा आपको। साथ ही इसके ऊपर हमें आईआर ब्लास्टर मिल जाता है, तो एज अ रिमोट कंट्रोल भी आप इस डिवाइस को यूज कर सकते हैं। सो देखा जाए तो लुक वाइज बात करें, परफॉर्मेंस वाइज बात करें, कैमरा वाइज बात करें, आपको डिवाइस के अंदर काफी अच्छा पैकेज मिल रहा है और 15,000 रुपए के प्राइस में आप इसको ले सकते हैं। सो अब आता है हमारे पास नंबर फर्स्ट पोजिशन पे वैल्यू फॉर मनी डिवाइस इस बजट का, जो कि हमारी नंबर फर्स्ट पोजीशन पर आया है, जिसपे आपको बढ़िया कॉम्पिटिशन मिलता है हर एक चीज का। डिवाइस है हमारा रियलमी की तरफ से रियलमी 8। सबसे पहले तो इस डिवाइस के अंदर हमारे पास MediaTek का Helios G95 प्रोसेसर है, जो कि आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, आप गेमिंग के लिए डिवाइस को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, और डिस्प्ले भी हमारे डिवाइस का सुपर एमोलेड है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ ब्राइट कलर्स मिलेंगे, सनलाइट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मूवीज वीडियोस में एकदम कमाल का लगता है फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ, 5000mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है हमें 30W की फास्ट चार्जिंग के साथ, आपको डिवाइस के अंदर बैटरी बैकअप भी अच्छा मिल रहा है और हमारी चार्जिंग भी फास्ट है। इसके अलावा डिवाइस के अंदर UFS 2.1 की स्टोरेज है। इसके अलावा डिवाइस के कैमरास की अगर बात करूं तो क्वाड कैमरा सेटअप है बैक में, 64+8+2+2 और 16 का सेल्फी।
जो मैक्रो है सिर्फ वो हमारा यूजेबल नहीं है ज्यादा, क्योंकि 2 मेगापिक्सल का है, लेकिन बाकी जो हमारा कैमरा है उसके अंदर डिटेलिंग अच्छी है, कलर्स अच्छे हैं, आप AI मोड ऑन करके और कलर्स को बूस्ट कर सकते हैं, साथ ही HDR मोड ऑन कर सकते हैं, आपको क्रिस्प शॉट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, वाइड एंगल में पिक्स आपकी काफी अच्छी आएंगी, इवन सेल्फी कैमरा में भी आप ब्यूटी फिल्टर्स को ऑन करके अपने बढ़िया यहाँ पे सेल्फीज कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा डिवाइस के जो डिजाइन की मैं बात करूँ तो प्लास्टिक बॉडी हमें मिल जाती है, लेकिन ये जो प्लास्टिक बॉडी है पहले तो मेरे पास ये सिल्वर कलर में है, जिसमें इसके ऊपर जो रेनबो इफेक्ट आ रहा है वो एक्चुअल में देखने में काफी स्टाइलिश लगता है, लेकिन प्लास्टिक बॉडी है, सिल्वर है, तो उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स मुझे क्लीन करने पड़ते हैं और इसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ेंगे तो वो भी नजर आएंगे। लेकिन ये जो डिवाइस है अगर आप कवर लगा के रखेंगे जो इसके बॉक्स के अंदर मिलता है तो लुक तो ठीक बचा लेंगे आप। इसके अलावा डिवाइस हमारा काफी लाइट वेट है, मतलब 177 ग्राम्स का है, तो अगर जैसे अभी लॉकडाउन में ज्यादा देर के लिए डिवाइस को पकड़ के रखना है मूवी देखते हुए, गेम देख खेलते हुए या कुछ भी करते हुए, तो उसमें आपका हाथ इतना थकेगा नहीं क्योंकि डिवाइस लाइट वेट है। तो ओवरऑल ये डिवाइस हमारा बेस्ट बन जाता है इस लिस्ट का, जिसका कि प्राइस वैसे 15,000 है, लेकिन इसके ऊपर ऑफर आती रहती है, कभी 13 कभी 14 कभी 13 कभी 14 ऐसे मिलता रहता है, तो जब खरीदना हो तो 2-4 दिन चेक करते रहो फिर ही खरीदना। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मैं जल्द वापस आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर करें प्रेस।